methods of data transmission. The way with which data is transmitted from one place to another place is known as mode of data transmission. ऐसे तरीके जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता जाता है उसको हम डेटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। हमारे पास थ्री मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है जिसके अंदर सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड आता है। सिंप्लेक्स मोड की बात करें तो डेटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। अब इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे आपके कीबोर्ड से डेटा आपके कंप्यूटर में ट्रांसमिट होता है, कभी कंप्यूटर से डेटा आपके कीबोर्ड में ट्रांसमिट नहीं हुआ। इसी तरह रेडियो स्टेशन से डेटा आपके रेडियो के ऊपर ट्रांसमिट होता है, कभी आपका रेडियो रेडियो स्टेशन की तरफ ट्रांसमिट नहीं करता डेटा। तो अ फ्लो ऑफ डेटा इज ओनली इन वन डायरेक्शन एंड ऑलवेज विल बी इन वन डायरेक्शन। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि फ्लो ऑफ डेटा जो है बोथ डायरेक्शन में होता है लेकिन वन एट अ टाइम, एक टाइम में एक। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इंटरनेट की सर्फिंग करते हैं, हम लोग इंटरनेट की सर्फिंग के ऊपर एड्रेस लिखते हैं और उसके बाद वो उसको वेब सर्वर पे जाके ढूंढता है एड्रेस को और सर्च करके हमें एचटीएमएल पेज को शो कराता है। हाँ, इन द मीन वाइल अगर हम लोग ने एड्रेस लिखा और उसने सर्च करने के दौरान ये देखा कि जनाब आपने नया एड्रेस लिख दिया है तो वो पहले एड्रेस को भूल जाएगा और नई चीज को ढूंढना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा है, इसके अंदर एक दफा डेटा ने जाना है और फिर उसने ढूंढ के दूसरी दफा आपको शो करना है। वॉकी टॉकी जो ये पुलिस वालों के पास होती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। उसके अंदर भी एक दफा में एक बंदा बोलता है, दूसरा बंदा सुनता है, फिर दूसरा बंदा बोलता है और पहला बंदा सुनता है। फिर हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड होता है जिसके अंदर डेटा की ट्रांसमिशन बोथ डायरेक्शंस में होती है साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शंस में जब ट्रांसमिशन मोड ट्रांसमिशन होगी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड। फॉर एग्जांपल हम टेलीफोन के ऊपर जब बात करते हैं, हम भी बात कर रहे होते हैं, अगला बंदा बात सुन भी रहा होता है, साथ साथ हमें हमारे साथ ही बात कर रहा होता है, यानी कि दोनों के ऊपर जो है आपकी ट्रांसमिशन एट अ टाइम हो रही होती है। इस चीज को हम फुल डुप्लेक्स मोड को हम ऑल्सो मल्टीप्लेक्सर्स भी कहते हैं। जो डिवाइसेस फुल डुप्लेक्स मोड को सपोर्ट करती हैं उनको हम मल्टीप्लेक्सर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन होती हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन जो है दैट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन ऐसी ट्रांसमिशन होती है जिसके अंदर डेटा एक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर से दूसरे कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर तक जाता है बाय यूजिंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस से मुराद क्या है? एक दूसरे के मुतवाजन जो लाइनें एक दूसरे के साथ चल रही हैं उसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर आपका डेटा जो है ओवर मल्टीपल वायर्स के ट्रेवल करता है। अब पैरेलल ट्रांसमिशन जो होती है वो सीरियल ट्रांसमिशन के हिसाब से बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड द प्रिंटर। सीरियल ट्रांसमिशन जो होती है इसके अंदर डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जब जाता है वो बिट बाय बिट जाता है, यानी कि इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है एज कंपेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन बहुत स्लो है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि डेटा जो कम्युनिकेट होता है वो उसको फ्लो कंट्रोल को करेक्टर बाय करेक्टर फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर इररेगुलर गैप्स होते हैं। इट इज चीपर टू इंप्लीमेंट बिकॉज डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले हमें इसको सेव नहीं करना पड़ता। दूसरी पास होती है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को क्लॉक कंट्रोल कर रही होती है। इसके अंदर बिट्स एक पैकेट्स की सूरत में ट्रांसमिट होती हैं। ये लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है एट अ सिंगल टाइम विदाउट या विद नो गैप बिटवीन द करेक्टर्स। रिमोट कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल है लेकिन ये महंगी ट्रांसमिशन है। इस वजह से महंगी ट्रांसमिशन है क्योंकि डेटा को सेंड करने से पहले हमें इसके अंदर सेव करना पड़ता है।
bandwidth is the amount of data that can transfer या that can travel through communication medium is known as bandwidth. It is measured in bits per seconds or bytes per second. हमारे पास दो types of bandwidth होती हैं, baseband and broadband. Baseband is a digital signals are directly transmitted over transmission line. It is transmitted only one signal at a time. Digital signals are commonly used as are commonly known as baseband. Transmission of information is up to a couple of miles without requiring the computer modems. Typical token ring and Ethernet use baseband signals. Broadband is a technique of transferring large amount of data, voice and video over long distances. अब ये करता क्या है? ये modulate करता है signals को into different frequencies और फिर उनको transmit करता है several streams of data at the same time by using FDM, frequency division multiplexing. It is used for direct communication between high speed computers, for example mainframe computers and large computers. It is faster than baseband. Acha, broad bandwidth includes microwaves, satellite, coaxial cables and fiber optic wires. Communication medium or communication channels. The path through which data is transmitted from one place to another place is called communication channels. There are two types of communication channels. Guided media, इसको हम bounded media भी कहते हैं, जिसकी examples में आपके पास twisted pair wires, coaxial wires, fiber optic wires आती हैं. And unguided media, जिसकी examples के अंदर microwave, satellite and mobile communication आती है, इसको हम unbounded media भी कहते हैं. Twisted pair wires, ये copper की बारीक बारीक वायर्स होती हैं जो आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं. ट्विस्ट होने का फायदा ये होता है कि नॉइज को रिड्यूस करती हैं. नॉर्मली ये जो हम लोग अपने DSL के लिए तारें यूज करते हैं, दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर वायर्स. ये इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम है जो वॉइस को, डेटा को और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है. इसको हम आसानी से इंस्टॉल कर लेते हैं. हमारे पास दूसरी वायर्स जो हैं वो हैं कोएक्सियल वायर्स. कोएक्सियल वायर्स ऐसी तारें हैं जिस तरह की आपकी केबल की तारें आपके घर आ रही होती हैं, टीवी के एंटीने की तार आ रही होती है. उसके दरमियान में एक कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है. इंसुलेशन के ऊपर फिर कॉपर की मैश होती है, मैश के ऊपर फिर एक आउटर इंसुलेशन चढ़ी होती है. ये वायर एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर वायर महंगी वायर होती है, लेकिन इसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर वायर बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर एरर रेट बहुत कम है. फिर हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं. ये ग्लास की या प्लास्टिक की बारीक बारीक नालियों में बनी हुई केबल है. इसके अंदर पल्सेस ऑफ लाइट ट्रेवल करती हैं. इसके अंदर बारीक सी नाली होती है जिसको हम कोर कहते हैं. कोर के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ ग्लास चढ़ी हुई होती है जिसको हम क्लाइडिंग कहते हैं. उसका दो मकसद है, एक तो वो प्लास्टिक की या शीशे की बारीक नाली को मजबूती फराहम करना, दूसरा जो पल्सेस ऑफ लाइट है उनको रिफ्लेक्ट बैक करना ताकि वो इस वायर के अंदर अंदर ट्रेवल कर सकें. फिर इसके ऊपर एक जैकेट चढ़ी हुई होती है जिसको इंसुलेशन कहते हैं. अब इसकी स्पीड जो है एज कंपेयर टू कोएक्सियल वायर्स या ट्विस्टेड पेयर वायर बहुत ज़्यादा है. इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये कॉस्टली वायर है और इसकी इंस्टॉलेशन भी इजी नहीं है. अनगाइडेड मीडिया जो है ऐसा मीडिया है जिसके अंदर हम लोग हवा को यूज करते हैं. हमारे कंप्यूटर्स आपस में फिजिकली अटैच नहीं होते एक दूसरे के साथ. इसके अंदर हम हवा को यूज करते हैं टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. इसीलिए इसको हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं. अनगाइडेड मीडिया वो होता है जिसके कंपोनेंट्स आपस में, कंप्यूटर्स आपस में फिजिकली कनेक्टेड ना हो. अब इसके अंदर सबसे पहले जो है माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं.
माइक्रोवेव्स ऐसे टावर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और फिर उसको रीट्रांसमिट करते हैं आगे अगले टावर की तरफ। ये टावर टू टावर कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन दोनों टावर्स का एक दूसरे के आमने सामने होना ज़रूरी है, क्योंकि दे कैन ओनली ट्रांसमिट डेटा इन द लाइन ऑफ साइट। एक दूसरे को लाइन ऑफ साइट के अंदर ही ट्रैवल ट्रांसमिट करेंगे। इनका आपस में एक टावर का दूसरे टावर से डिस्टेंस 30 माइल्स का डिस्टेंस होता है इनका आपस में, और इनके अंदर इनको हम उस जगह पे लगाते हैं जहां पर हमारे पास तारे डालना मुश्किल होता है। अब इनके दरमियान में ना कोई बिल्डिंग आनी चाहिए ना कोई हर्डलेंस आनी चाहिए, क्यों कि अगर इनके दरमियान में कोई बिल्डिंग या कोई चीज ऐसी आ गई जिसने इनका रास्ता रोका तो ये कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, बिकॉज दे कैन ओनली कम्युनिकेट इन द लाइन ऑफ साइट। इसके दरमियान में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। फिर हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है। सैटेलाइट जो होती है वो जमीन से तकरीबन 23,000 मील की बुलंदी पर होती है। इसको अर्थ स्टेशन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है इसकी तरफ को, ये सिग्नल्स को रिसीव करती है, उनको एम्पलीफाई करती है और ग्राउंड स्टेशन की तरफ को भेज देती है। फिर ग्राउंड स्टेशन इसको फर्दर रीट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स योर टीवी टू अदर कम्युनिकेशन थिंग्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास बैड वेदर हो तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो बैडली या स्वीरली उसकी वजह से उस पर असर पड़ता है। अब अगर इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखें कि अगर स्टेडियम के अंदर मैच हो रहा हो और स्टेडियम के बाहर जो गाड़ी खड़ी होती है वो सिग्नल्स को रिसीव करके ट्रांसमिट कर रही होती है टूवर्ड्स द सैटेलाइट। सैटेलाइट उन सिग्नल्स को रिसीव करती है, रिसीव करने के बाद उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके ग्राउंड स्टेशन पर या टीवी स्टेशन पर भेजती है और फिर टीवी स्टेशन उन सारे सिग्नल्स को रीट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स द टीवी, तो हम लोग फिर उसको देखते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन जो है इट इज अ रेडियो बेस्ड नेटवर्क, इट ट्रांसमिट्स डेटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर्स। मॉडम इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर बाय यूजिंग टेलीफोन लाइन। अब ये करता क्या है, ये जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है उससे डिजिटल सिग्नल्स लेता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू एनालॉग फॉर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। और जो रिसीविंग साइड का कंप्यूटर का मॉडम होता है वो एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करता है और उनको ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि डिजिटल फॉर्म में वापस लेके आता है। दिस प्रोसेस नोन एज डीमॉड्यूलेशन। और इस प्रोसेस की वजह से हम अब जो कम्युनिकेशन हुई है उसको हम देख सकते हैं। अच्छा, अब मॉडम्स के डिफरेंट फीचर्स हैं जिसके अंदर उसका ट्रांसमिशन रेट है विच कैन ट्रांसमिट 300 bps टू 56 kbps तक डेटा। मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, स्लो स्पीड मॉडम्स हैं, हाई स्पीड मॉडम्स हैं। अब हमारे पास अगर हम मॉडम्स की टाइप्स देखें तो हमारे पास दो किस्म के मॉडम्स होते हैं, एक्सटर्नल मॉडम्स और इंटरनल मॉडम्स। एक्सटर्नल मॉडम्स वो होते हैं जो कंप्यूटर के साथ बाय कॉम पोर्ट 1 या कॉम पोर्ट 2 के साथ हम अटैच कर देते हैं। एक्सटर्नली उनकी अपनी पावर सप्लाई होती है, उनकी अपनी सेटअप होता है, उसको हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं और जब हमारा प्रोसेस खत्म हो जाए तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते उतार सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, या फिर हमने अगर किसी और कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करना हो सिंपली हम उसको अनप्लग करेंगे और दूसरे कंप्यूटर के साथ उसको अटैच कर देंगे। इंटरनल मॉडम जो होते हैं वो एक सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर जिसको हम कंप्यूटर के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, उसके बाद वो मॉडम्स काम करते हैं। हमारे पास वायरलेस मॉडम्स भी हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं।